हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं भाई आज आप लोगों का एक नए से ब्लॉग में फिर से स्वागत करता हूं। तो मैंने स्कूटी लिया है, देखो ये मैंने स्कूटी लिया है, पता कितना लिया है? 248 रुपीज़। और समझ, देखो 248 रुपीज़ लिया 24 आवर के लिए। आप सोचिए 248 रुपीज़ 24 आवर के लिए कैसे लिया है? गाड़ी का रेंट तो 250 रुपीज़ है, लेकिन 2 रुपये इसमें पहले से रखा हुआ था। तो भाई स्कूटी का काम हो गया। अब स्कूटी मैं कहाँ से लिया था वही दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। आर्या दुर्गा बाइक रेंट, सही प्रोनाउंसिएशन सही की ना? आर्या दुर्गा बाइक रेंट ना, तो मैंने यहीं से स्कूटी लिया था। इस भाई ने लिया था। हेलो भाई, तो ये सीजन में भी क्या रेट होता है? सीजन रेट क्या होता है, मतलब जो अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है ना? हाँ, तो सीजन रेट सेम होता है। महंगा होता ना उसका? कितना? 1000 रुपये। कौन सा स्कूटी का? एक्टिव का। हाँ, एक स्कूटी का 1000। अच्छा, उसके बाद सारा का 1000। हाँ, जो मैंने लिया उसका 350। वो बस स्टैंड के से 300 मीटर लगभग होगा, है ना? तो ये आर्य दुबा का बाइक रेंटल है। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल लूँगा मोबाइल नंबर इनका, फिर मैं ठीक है भैया, थैंक यू। ये भैया ने अभी मेरा यूट्यूब भी सब्सक्राइब किया है अभी जस्ट, इन्होंने भी। ठीक है भैया, आपका नाम? सुब्रमण्यम। आपका? मयूर। ठीक है भैया, कभी आना तो आर्य दुर्गा के बस स्टैंड से 300 मीटर ही आगे आर्य दुर्गा बाइक रेंटल है, वहाँ से ले सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप ड्रॉप करते कि नहीं होटल? हाँ, तो होटल भी ड्रॉप कर देते हैं, आप जहाँ रहोगे वहाँ ड्रॉप भी कर देंगे। बाकी रेट देख लेना अपने 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 सीजन के साथ टाइम। भैया लोग स्माइल कर रहे हैं पूरा। ठीक है भाई, मिलते हैं, चलते हैं होस्टल। नमस्ते। ठीक, अभी अपनों देखा मैं भैया को, जो होटल मैनेजर थे, हॉस्टल मैनेजर थे, उन्हें मैं बाय बोल रहा था। ठीक, तो आप समझ ही गए होंगे मैंने हॉस्टल से चेकआउट कर दिया है और गोकर्णा से भी चेकआउट कर रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड की ओर। तो भाई गोकर्णा का वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप सभी लोग का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो अभी देखो सामने दिख रहा है, ये बीच दिख रहा है आपको, समुद्र दिख रहा है, अरेबियन सी दिख रहा है। तो आखिरी बार मैं अरेबियन सी को देख रहा हूँ, गोकर्णा का अरेबियन सी को मैं आखिरी बार देख रहा हूँ। इसके बाद मैं देखोगा आगे आया जाएगा, तो लास्ट टाइम मैं देख लेता हूँ। काफ़ी सुंदर दिखता है भाई, कितना सुंदर दिखता है, लगता है ना भाई समुद्र में, ऐसा लगता है ना कि देखो जो बादल और समुद्र दोनों मैच कर रहे हैं। आपको और लोग पता नहीं चल रहा होगा, ऐसा लगता है कि इसके बाद दुनिया ही नहीं है। पहाड़ में तो लगता है कि इसके पीछे ढलाव होगा, मतलब कि नीचे होगा, इसके पीछे पहाड़ होगा, ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें मैच कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं इसके बाद। तो फिर अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड कुर्ग के लिए, आगे वीडियो आप लोग को मिलेगा कुर्ग, तो ऐसे ही बने रहो। और एक चीज़ भाई लास्ट में बता रहा हूँ, गोकर्णा जाते टाइम तो हमें पीछे बहुत सा गाय दिख रहा होगा, इधर भी गाय दिख रहा होगा, तो मैं बताता हूँ गोकर्णा का नाम गोकर्णा ही क्यों पड़ा। तो गोकर्णा का नाम गोकर्णा इसलिए पड़ा कि कहा जाता है कि शिव जी ने गौ के कान से जन्म लिया था। ठीक, और ये भी कहा जाता है कि गोकर्णा का जो मैप है वो गाय के सिर के जैसा है, इसलिए इसका नाम गोकर्णा ही पड़ा। तो आप लोग से मैं मिलता हूँ कुर की वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। बस इतना प्यार देने के लिए गोकर्णा के वीडियो में, प्यार देने के लिए धन्यवाद। अब आगे आएगा कुर्ग का वीडियो। तो अभी मैं कुर्ग जा रहा हूँ बस से, यहाँ से बस एक ही बस चलता है भाई, बस रेड बस मैंने बुक किया, एक ही बस चलता है यहाँ से, लगभग 800 रुपया टिकट है यहाँ से। ठीक भाई, मैं तो आज हॉस्टल में बुक नहीं किया था, चेकआउट तो मेरा सुबह ही हो गया था आज। ठीक, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ वही कुर्ग, तो कुर्ग में मिलता हूँ मैं आप लोगों से। और 11 स्टेट प्लस यूनियन टेरेटरी के सीरीज में बने रहे, ये इससे भी खतरनाक वीडियो आएगा। अभी कहाँ आगे मैं तो कंटिन्यू ट्रैवलिंग है। तो आप सभी लोग का धन्यवाद, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, घूमते रहिए, और #ILOVEMYLIFE कमेंट कीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कुर्ग के वीडियो में। बाय।